पापीजी। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? तो आज हम बताते हैं अपने दर्शकों की, आज हम डे आउट करने वाले हैं पाके जी का। रच्चों की मधुमती की रियल दुनिया। भाई भोजपुरी फिल्मों में पाखी ने नए नए अंदाज में दर्शकों को खूब एंटरटेन किया और अब वो करने जा रही है टीवी पर अपना डेब्यू स्टार प्लस के सीरियल रज्जू से, जिसमें वो एक अहम भूमिका में नजर आएंगी। भाई इसमें वो अर्जुन की माँ मधुमती का किरदार निभाएंगी और दिखेंगी एक नेगेटिव रोल में। सास बहू और बेटिया आज पहुँच गया है पाखी हेगड़े के घर बिताने उनके साथ पूरा एक दिन। तो चलिए सीधा चलते हैं पाखी के घर, क्योंकि आज पाखी अपना आशियाना दिखाएंगी जो उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। बनाएंगी गर्मा गर्म चाय, अपनी बेटियों और अपने पेट से मिलवाएंगी। गुनगुनाएंगी खूबसूरत गाना। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तो चलिए सबसे पहले करते हैं पाखी के घर की सैर। ये मेरा लिविंग है और यहाँ पर मैं 3-4 साल से रह रही हूँ और बहुत ही प्लेजेंट घर है। आई लाइक इट अ लिटिल स्पेसी, जैसे आप देख रहे हैं। अगर घर को देखेंगे तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें भरी नहीं है, इसको काफ़ी ओपन रखा हुआ है, सो दैट एक होता ना, जैसे एनर्जी अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लॉट करने से जगह बहुत कम लगने लगती है और मुझे लगता है कि स्पेस हमको चाहिए होता है। एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटिफुल पेट विथ मी। मेरी डॉटर्स की फैन पेज जो है, उन्होंने लियो की पिक्चर बनाई है, सो यू सी, सो ये हमारे घर की जान है। हमारे घर का बच्चा है, सो वी फील वेरी हैप्पी अराउंड हिम। एंड आपको मैं मेरा बेडरूम दिखाऊँ? प्लीज़ कम। तो आपको यहाँ पर कहाँ लगता है मेरा बेडरूम होगा? गेस करिए जल्दी, आइए चलिए। सीक्रेट दरवाजा खुल रहा है, सो दिस इज माई बेडरूम, प्लीज कम इन। पाखी हेगड़े का घर काफी खूबसूरत है और उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन का भी खासा ध्यान रखा है। तो चलिए सीधा चलते हैं पाखी के कमरे में, जहाँ उन्होंने अपना रूम दिखाया, वार्डरोब दिखाया। मेरी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होने की वजह से, एक्चुअली बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाती हूँ घर पे। पर हमारे घर में सभी लोग बहुत ही होमली काइंड्स है और घर को डेकोरेट करने में सबसे ज़्यादा हाथ आशना का होता है। सो जो भी कलर पैलेट्स चूज़ करने होते हैं, वो जो लिविंग में भी आपने देखे होंगे, मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है और मुझे लगता है वो एक सादगी का प्रतीक भी है। घर को एक एनर्जेटिक बनाने के लिए अगर आप लाइट कलर्स रखते हो तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। सो मैंने अपने घर का कलर पैलेट रखा हुआ है बेज, ग्रे, वाइट, इस तरीके से, सो दैट होता है ना, एक प्लेजेंट वाला फील आ जाए। और डार्क रूम्स कोई भी नहीं है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर या लिविंग में भी आप देखेंगे। एक हम लोग गणपति का फेस्टिवल भी हमेशा मनाते हैं, तो एक प्रॉपर जैसे एक मंडप बन जाता है, वैसे ही मंडप बना दिया है। एक्चुअली अभी फ़िलहाल बारिश के वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो भगवान वाला कोना अभी बनानी है, दैट इज़ थोड़ा सा अभी उसको रोक दिया गया है काम को। लिविंग का अभी काम पूरा हुआ नहीं है, बाकी सब बेडरूम्स का काम हो गया है। सो थोड़ी चीज़ें यहाँ वहाँ आपको दिखेंगी, बट यू मतलब आपको ये बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा अगर हम कोई चीज़ को एंजॉय करते हैं, वो आपका घर होता है, आपका स्पेस होता है, आपका बाथरूम होता है, आपका वार्डरोब होता है। सो वहाँ बहुत
ज़्यादा मैं टाइम मुझे लगता है स्पेंड करती हूँ. सो ये है जगह जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड करती हूँ, लिविंग रूम में भी नहीं. और अंदर आइए तो बाथरूम, मुझे लगता है कि देखिए हम लोग कभी भी बोर होते हैं ना तो हम सोचते हैं यार चलो कहीं बाहर जाके रहते हैं और आराम करते हैं. मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा आराम और कंफर्टेबल आपका घर और आपका बाथरूम और आपका वार्डरोब यही होता है, ये आपकी स्पेस होती है. तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ कि हर चीज़ एक अलग अलग तरीके से रखी गई है. मतलब इफ़ यू सी कपड़े भी हैं तो उसमें आई विल कीप माय ऑल, मतलब कैजुअल्स अलग रखूँगी, पैंट्स अलग रखूँगी और इस तरीके से मतलब इसको सजाती हूँ मैं कि वो हर एक चीज़ का सेक्शन अलग हो जाए. ड्रेसेस होते हैं वो सब ड्रेसेस वहाँ पर रख देती हूँ, जितने वेस्टर्न्स है. इनमें सबसे ज़्यादा टाइम जाता है मेरा. आप बिलीव नहीं करोगे, लड़कियों के नखरे और लड़कियाँ होना ही अपने आप में समझ में आता है कि ऐसे ही नहीं है. सबसे ज़्यादा लड़कियों का टाइम और लड़कियों का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो क्लोथ्स के ऊपर होता है. मुझे इस टाइप के कपड़े सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं जो आपको कैरी करने में, आपको पहनने में ज़्यादा ना टाइम लगे ना उनको आयरनिंग की भी ज़रूरत पड़े, सीधा निकालिए और पहन लिए और निकल लिए. सो मतलब जल्दी वाले जब इवेंट्स होते हैं तो इसमें मुझे लगता है कि आई एम फाइन विद दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस वेयर यू डोंट. और सबसे मुझे जो पसंद है, अगर मेरे फेवरेट क्लोथ्स पूछेंगे तो वो है स्पोर्ट्स वेयर. मेरे लिए है कि शॉर्ट्स पहन लिया, टॉप पहन लिया, शूज़ पहन के अपना सीधा निकल लिए काम पे. और इसी के लिए कलेक्शन में मैं, मतलब जब आपको बाल भी नहीं बनाने होते हैं तो मैं पूरी कैप्स की कलेक्शन रखी हूँ. बाल जब नहीं बनाने होते हैं और आपका बैड हेयर डे, जो लड़कियों का बैड हेयर डे होता है उसमें आप देखेंगे कि पहन लो सीधी कैप्स और निकल लो, पहन लो कैप्स और सीधा आपका बैड हेयर डे है तो भी आप आराम से जहां जाना जाके अपना आ सकते हो. और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आपकी हेल्थ जो है वो सबसे प्राइम आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका दिमाग हेल्दी फील करता है, आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिविटी फैलाते हो. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, आपका खाना पीना अच्छा हो, आपकी सेहत अगर अच्छी है, आपका पेट अगर अच्छा है, आपका माइंड अच्छा रहेगा, आपकी प्रॉब्लम्स हेडेक ये वो सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपको. और इसलिए मैं अपने रूटीन में बहुत क्लियरली इन चीज़ों को ध्यान में रखती हूँ कि खाना पीना बहुत अच्छा होना चाहिए. इम्पॉर्टेंट है कि सीधा और सरल हो, लाइफस्टाइल बड़ी सिंपल रखती हूँ मैं, बट कॉम्प्लिकेशंस अपने हेल्थ को लेके नहीं आनी चाहिए हमारे ऊपर. भाई कपड़ों के कलेक्शन के साथ साथ पाखी के पास शूज, सैंडल्स, ग्लेस, परफ्यूम्स का भी काफी खासा कलेक्शन है. मुझे लगता है कि जब हम नाइट वेयर और पार्टी वेयर मोड में होते हैं तब हील्स पहनना ठीक होता है, बट अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और कंफर्टेबल वेयर चाहते हैं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है कि मैं ट्रैक पैंट्स पहन लूँ, इस टाइप के कंफर्टेबल शूज़ पहनूँ. और आप देखेंगे ये शूज़, जितने शूज़ हैं ये सब ये बड़े कंफर्टेबल वेयर शूज़ हैं, तो ये आपको लाइक आपके लेग्स को बड़ा कंफर्ट में रखते हैं लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए. तो आई वुड सजेस्ट जब आपका मूड अच्छा ना हो और डाउन फील कर रहे हो तो कैजुअल वेयर में भी आप स्पोर्टी वेयर में अगर चलते हैं कहीं पे तो भी बड़े कूल लगते हो. और जितने चप्पल्स हैं वो ऑफकोर्स सलवार कमीज पे जाते हैं और अच्छे लगते हैं मुझे बड़े. पर मेरे पास आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन देखेंगे
आपको दिखेगा, शूज़ का कलेक्शन दिखेगा, स्पोर्टी वेयर का कलेक्शन दिखेगा, बिकॉज मेरे लिए वो सबसे पसंदीदा है. और ये बड़े रेयर होते हैं, मैं पहनती नहीं हूँ इनको. मतलब सिर्फ बोलते ना कलर्स होना ज़रूरी है, इसलिए वो कलर्स रखे हुए हैं, बट इनको पहनने के लिए मौका बहुत कम ही मैं अपने आप के लिए निकालती हूँ. मैं सोचती हूँ कि इवन नाइट वेयर हो तो भी डांस करने का मूड करेगा तो एटलीस्ट शूज़ पहन के डांस करो, पैरों को तकलीफ नहीं होगी. सो दैट्स इट. ये बहुत ये यू सी दिस, मैंने अपने वार्डरोब को बनाने के टाइम पे बहुत ध्यान रखा इन चीज़ों का कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी तो अच्छा रहेगा. तो आई हैव केप्ट ऑल माई हेयर एक्सेसरीज एंड एवरी थिंग हियर. इनका भी कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मुझे ऑलवेज डिफरेंट लुक वाले अच्छे लगते हैं, जो बहुत अनयूजल होते हैं मिलने के लिए, बड़े मतलब डिफिकल्ट हो ऐसे वाले. दो डेली वेयर में तो ये डे एंड नाइट वेयर दोनों के लिए चला जाता है. यहाँ पर जितने मेरे विग्स, बालों के लिए जितने विग्स यूज करते हैं हम लोग, वो सब का कलेक्शन भी मैं इसी में रखती हूँ. इफ़ यू सी ऑल माई विग्स एंड एवरी थिंग इज हियर. मैंने लिटरली बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे से किए हुए हैं जिसमें कभी कभी बाल आपको अलग अलग टाइप के रखने होते हैं. सो आई कीप ऑल दैट हियर इफ यू सी. एक्चुअली क्या होता है कि शूट जब हम करते हैं तो शूट में आपके नॉर्मल बाल आप इतने बार ब्लो ड्राई और आयरन करते हो कि आपके एक्चुअल बालों की हेल्थ खराब हो जाती है, क्योंकि आप उनको एक्चुअली अब्यूज़ करते हो बार 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 ब्लो ड्राई करके, तो उनकी लाइफ शेल्फ लाइफ कम हो जाती है. इसीलिए यू टेंड टू हैव हेयर लॉस प्रॉब्लम्स एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स. तो आपको उनको ध्यान रखने के लिए इन बालों को इस्तेमाल करके कवर करना होता है, ताकि एटलीस्ट आपके थोड़े आगे के बाल तो आप बचा नहीं सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपके थोड़े बाल जो है आप उनको प्रोटेक्ट कर सको. भाई ये पहली बार है जब पाखी कोई नेगेटिव रोल में नजर आएंगी. टॉपलेस के सीरियल रज्जो में वो मधुमती का किरदार निभाने वाली है. तो आइए पाखी से ही जानते हैं इस किरदार के बारे में. मैं अपना पूरा दिन यहाँ स्पेंड कर सकती हूँ, मैं इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ. मुझे लगता है कि लाइक इफ़ यू सी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कलेक्शन, अच्छा कलेक्शन रखना, अच्छे चीज़ों को. मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे थोड़ा कुछ भी हो चलेगा, बट उसको बहुत अच्छे से करना होता है. ये सिर्फ इसमें नहीं, मैं अपने काम में भी वही अंदाज अपनाती हूँ. मैं जो भी काम करती हूँ मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा 200% उसको दूँ, और जितना हो सके उतना ही काम मैं हाथ में लूँ. तो लोग बहुत बार बोलते हैं कि आप बैक टू बैक फिल्म्स क्यों नहीं करती हैं, आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, आपको हम देखना चाहते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करती. पर मुझे लगता है कि अगर मैं वही काम बार बार, उसी टाइप का किरदार बार बार और हर बार करूं, तो फिर उस काम की और लोगों की मेरे लिए जो वैल्यू है, लोगों की जो मेरे लिए देखने की ललक है, वो ख़त्म हो जाएगी. तो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आपको दिखना है आपको काम करना है, इट हैज़ टू मेंटली सेटिस्फाई यू ऑल्सो. तो मैं बिलीव करती हूँ क्वालिटी में, मैं बिलीव करती हूँ जो काम कर रही हूँ किनके साथ कर रही हूँ, लोग कैसे हैं, मेरे लिए वो एनर्जीज मैटर करती हैं. सो मेरी प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी इन चीज़ों को लेके अलग है, और इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो शो मैं अभी करने जा रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा. मेरा शो आ रहा है रज्जो, जो 22 अगस्त को ऑन एयर होगा, स्टार प्लस पे आएगा, और शाम को 7 बजे से होगा. आप देखेंगे कि इसमें मैं एक बहुत अलग किरदार कर रही हूँ, नेगेटिव लीड कर रही हूँ, और पहली बार नेगेटिव कर रही हूँ. सो बहुत लोग पूछ रहे थे कि नेगेटिव क्यों कर रहे हो आप, तो मेरा रीज़न यही है कि मैं किस सेटअप के साथ में काम कर रही हूँ, ये सबसे पहले मेरे लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन उसके साथ में ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि अब मैं जो करूँगी वो क्या अलग करूँगी, और क्या उसमें मेरा शेड दिखेगा कि लोग एक्साइट होंगे वो देखने के लिए. तो मुझे लगता है कि ये एक अलग टाइप का किरदार है, और बहुत चैलेंजिंग किरदार लगा मुझे. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा ये घर और मेरा शो, दोनों चीज़ें बताइएगा ज़रूर. वैसे तो भोजपुरी फिल्मों में काफ़ी अलग अलग किरदार निभाए हैं पाखी ने, और पाखी अपनी रील और रियल दुनिया को अच्छा खासा बैलेंस करके चलती है. तो आइए उनका बाकी का घर देख लेते हैं. आर्टिस्ट की उपलब्धि होती है उनके अवार्ड्स, जबकि ये अवार्ड्स सब पूरे नहीं हैं, बहुत कम यहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था तो अंदर स्टोर कर दिए हैं.
बट ये बहुत इसमें से अवार्ड्स हैं जो मेरे काम के लिए, मेरे सोशल वर्क के लिए, मेरे परफॉर्मेंस के लिए, मेरे मेरे एडवेंचरस एक्ट्स के लिए, क्योंकि एक दो बार मैंने ऐसे भी एक्ट्स किए हैं जहाँ पर बाढ़ में जाके ऐसी जगहों पे मैं गई हूँ जहाँ पे नॉर्मली कोई इंसान जाना पसंद नहीं करेगा. बहुत रिस्की होता है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप पानी जहाँ पूरे पूरे पेड़ पानी के नीचे दब गए हों, जहाँ पर पानियों में पानी में से कुछ भी निकल सकता हो, ऐसे पानी में से हमने क्रॉस करके हम गए हैं दूसरी तरफ लोगों को सिर्फ समझाने के लिए. हमने एक कार्यक्रम किया था गया खुशीनगर में, और खुशीनगर महोत्सव होता है, तो हम उसमें जब गए थे तो एज अ टोकन ऑफ लव हमको उन्होंने दिया था, बिकॉज हमने वहाँ पे 7-8 दिन हमने रह के वहाँ का पूरा काम किया था और वहाँ पे उनकी हेल्प की थी, तो आउट ऑफ टोकन ऑफ लव. एंड दिस इज़ आई गॉट अवार्ड बाय मिड डे, सुपर मॉडल फॉर आशना एंड सुपर मॉम फॉर पाखी. सो मदर डॉटर अवार्ड था. सो दैट इज़ दैट्स वेरी स्पेशल टू मी, बिकॉज मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वो है. और काफ़ी उन लोग अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, करियर में अच्छा कर रहा है, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई हैव लॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स, बट आई डोंट नो अभी वो किस तरीके से रखा गया, कुछ मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है. बट नॉर्मली मेरी बुक्स और फाइल्स और जितनी चीज़ें होती है ज़रूरत की, वो सब यहाँ रख देती हूँ मैं, सो दैट मैंने घर को घर का जो स्टोरेज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस उसको दिया है, क्योंकि हमारे घर में जितनी चीज़ें होती हैं वो बाहर फैली हुई होती है, तो वो दिखने में बड़ा ख़राब लगता है. आई फील कि स्टोरेज बहुत होना ज़रूरी है, तो आई थिंक मैंने उसको काफ़ी अच्छे से ट्राई किया है मेंटेन करने के लिए, कि हर जगह पे थोड़ा थोड़ा स्टोरेज मैं प्रॉपरली बना के चलूं. आप लोगों का वहाँ से मन भर गया होगा, तो अब हम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं. वी कैन सिट हियर. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपके बदन में पानी जाना चाहिए. सो आई हैव अ लॉट ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग. इसमें मैं घरगुती उपाय बता सकती हूँ. मेथी के बीज होते हैं वो पानी में भिगो के रखती हूँ, अजवाइन के बीज होते हैं वो पानी में भिगो के रखती हूँ, और सुबह में उनका पानी पीती हूँ, ताकि आपको हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम्स ना हो, माइग्रेन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ना हो. और उसके बाद में आई हैव अ ग्रीन जूस, लीफी वेजिटेबल्स का जूस होता है वो बनवाती हूँ, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं वो एसिडिक होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एसिडिक खाने को आप अल्कलाइन से इक्वल करिए, ताकि जितनी ये इश्यूज़ हैं आपको ना हो. सो ग्रीन जूस पेट को ठंडा रखता है, ठंडा करता है. और फिर उसके बाद में मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं सीधे जिम के कपड़े पहन के निकलती हूँ, जिम करती हूँ, वॉक करती हूँ. आपको दिखा सकती हूँ, अगर जिम आपको देखना है तो बड़ा प्यारा सा जिम है हमारा नीचे, वी कैन वो दिखा देंगे आपको. और मैं पिलाटेस भी करती हूँ, तो पिलाटेस ज्वाइन किया हुआ है. आई ट्राई टू ऑल्टरनेट एक्सरसाइजेस, सो दैट एक ही टाइप का एक्सरसाइज हर रोज़ करते हैं तो मोनोटनस होता है, तो आई ट्राई टू कीप इट लाइक वेरिएशन रखती हूँ उसमें. और उसके बाद में तो ऑफ कोर्स अभी तो यही है हमारा रूटीन, के सुबह उठो और शूट के लिए भागना होता है, तो शूट चले जाते हैं, रात को आती हूँ, तो रात को एक टाइम का खाना यहाँ पे खाने मिलता है घर पे, एंड वो बहुत दिल से खाती हूँ मैं. मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाता है, बट जब भी टाइम मिलता है तो आई ट्राई टू गो एंड फाइंड आउट कुछ अच्छे प्लांट्स क्या आए हैं, और उनको फिर मैं ज़रूर लेके आके प्लांट करती हूँ. तो एंट्री में भी आपने देखा होगा कि प्लांट्स हैं, और छोटे छोटे प्लांट्स. और हमारी तुलसी मैया तो हमको घर पे हमेशा दर्शन इनके होने ही चाहिए. और तुलसी घर पे होने से सिर्फ आपके घर में पॉजिटिविटी ही नहीं आती, बट इसके अलग अलग गुण भी हैं. सो इवन आपको जब लगता है कि आपका गला ख़राब है और ये कोविड ने तो जो कहर मचा के रखा हुआ है, तो इसमें हमेशा थोड़ा भी बुखार आता है या कुछ भी लगता है हम लोगों को, तो सबसे पहले काढ़ा बनाया जाता है. काढ़ा बना के रेडी कर देती हूँ और उसमें तुलसी के पत्ते डाल देती हूँ, जैसे पीते हैं इतना फ्रेश लगता है. तो तुलसी माँ तो हमारी माँ है, वैसे ध्यान तो रखती ही है, ऐसे भी ध्यान हेल्थ वाइज हम लोगों का तुलसी का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जब हम उपयोग करते हैं, तो उससे हमारे हेल्थ को आप काफ़ी अच्छा रख सकते हो.
बता दें कि पाखी की दो दो बेटियां हैं और आज सास बहू और बेटिया में वो मिलवाएंगी अपनी बेटियों से। हालांकि पाखी की बड़ी बेटी घर पर नहीं है तो उन्होंने मिलवाया अपनी छोटी बेटी और बहन की बड़ी बेटी से। वैसे पाखी को देखकर कोई ये नहीं कह पाएगा कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं। बड़ी बेटी अभी मेरे साथ में है नहीं, लेकिन हमारे साथ में हमारी छोटी बेटी है जिसका नाम है खुशी। हेलो खुशी, दिस इज फॉर आज तक चैनल। हेलो। और मेरे साथ आई एम वेरी प्राउड कि मेरी सिस्टर की डॉटर भी मेरे साथ में ही रहती है, सो दैट्स ईशा, मेरी सबसे बड़ी बेटी। हेलो, हाय। हमारी सिस्टर है ये, सबसे बड़ी सिस्टर ये है, उसके बाद मैं, फिर ये मैं। तो इट्स एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। हम लोग सब लोग घर में लड़कियां हैं और लड़कियां होने के बावजूद भी हम लोग भारत की नारियां हैं, सो यही कहेंगे कि हम लोग रॉक करते हैं और हमेशा रॉक करते रहेंगे। और अब बारी एक और खास मेहमान से मिलने की जिनसे पाखी खूब प्यार करती है। आपको हमारे घर के मेहमान से तो मिला दे, हमारा ये चिंटू सा मेहमान जो है इसको मिलना नहीं चाहेंगे आप? इनका नाम है लियो। लियो, हाय, जल्दी देखिए, कमी 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 कमी, ओह माय गॉड। लियो की आजकल ट्रेनिंग चल रही है, लियो की आईसाइट कुछ थोड़ी सी कमजोर हो रही है एंड ही इज अ वेरी हैप्पी डॉग। और जब से आया हुआ है हमारे घर में एक्चुअली बहुत खुशियों वाला एटमॉस्फियर हो गया है, सो जब उसको भाई साहब नींद से उठे हैं अभी सो एंजॉय कर रहे हैं, और जब मैं आसपास रहती हूँ तो इनकी दुनिया बस वहीं पे मम्मी के पीछे 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 घूमता रहता है ये, और खूब उसको मेरे साथ में अच्छा लगता है, सो मेरे साथ में ही सोता है ये। तो मैं अभी इसकी ट्रेनिंग बताती हूँ कैसे हम इसको ट्रेन कर रहे हैं। हर एक को जब आप प्रॉपर ट्रेन करते हो तो वो सुनना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज कई डॉग्स अग्रेसिव होते हैं बट इसको अग्रेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। ही इज़ वेरी हैप्पी गो लकी डॉग। एंड मैं बताऊँ, पेट्स घर में होने से आपके अंदर एक संयम आने लगता है, इंसान पेशेंट होता है हर चीज़ों को लेके, वो बड़ा संयमित होता है, जो कि आप देखेंगे कई लोग बड़े हाइपर रहते हैं, बहुत भागदौड़, बहुत चीज़ों के पीछे भागते हैं। लेकिन इस कोविड के टाइम में आप सभी को, हमको भी ये रियलाइज़ हुआ कि हम जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, आपको वहाँ से ब्रेक लेके अपनों के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, कौन कब आपके साथ में है कब नहीं है ये बिल्कुल किसी का आता पता नहीं है। देखिए ना, राजू श्रीवास्तव जी के बारे में सुन के बड़ा टेंशन हो रहा है कि उनकी हेल्थ इतनी ज़्यादा डिटीरिएट कर गई है, तो इट्स वेरी रिस्की नाउअडेज़। सो आई फील जिनके लिए हम कर रहे हैं उनके साथ में ही आज की तारीख में हम टाइम स्पेंड नहीं करते। आप देखेंगे हम सबसे ज़्यादा फ़ोन पे बिजी रहेंगे, घर में रहेंगे लेकिन घर के बाहर की दुनिया में लगे रहेंगे, घर में ही रहेंगे लेकिन घर के अंदर एक दूसरे से बात ही नहीं हो रही है, हो किसी तीसरे से रही है जो दूसरे और है, और जब उनके पास होते तो हम यहाँ फ़ोन लगा के इनसे बात कर रहे हैं, तो हमारा बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ज़रूरी है कि इन चीज़ों से हट के थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हो, थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को सुधारे। भाई परिवार वालों से तो मिल लिए, अब बारी है किचन में जाने की, जहाँ उन्होंने अपना किचन तो दिखाया ही, साथ ही बनाई गर्मा गर्म चाय भी। सो लेट्स सी हमारे किचन में क्या बन रहा है, और हम चाय बना सकते हैं तो चाय बनाएं। आइए आइए देखिए हमारा किचन, ये हमारा किचन छोटा सा और क्यूट सा, पूरी स्टोरेज इसमें चली जाती है। हाँ, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को पहले चाय हम पिला दें। वैसे तो ये हमारे महाराज जी हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, और आपका हम ख्याल रखेंगे ऐसा है। ये है हमारे सुमन जो मेरे साथ में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और हमारे परिवार का हिस्सा है, सो मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हूँ जब ये आसपास होते हैं, तो मेरी दिन की शुरुआत और दिन का एंड भी बहुत अच्छा होता है व्हेन दे आर अराउंड। सो लेट्स हैव सम टी। चाय पीती थी लेकिन
सेट पे इतनी ज्यादा चाय होने लग गई कि फाइनली डॉक्टर्स को बोलना पड़ गया कि इतना एसिडिक नहीं जा सकता है, आपको स्टॉप करना होगा. सो नाउ इट्स लाइक ओनली वन ब्लैक कॉफी इन द डे टाइम. और उसके अलावा तो मैं बहुत ज्यादा ग्रीन टीज और ऐसे पीती हूँ, सो दैट मुझे बड़े नेहा कक्कर जी के स्लो सॉन्ग्स जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं. सोनू निगम जी के स्लो सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो आई ऑलवेज लाइक अरिजीत सिंह एंड मेरा फ्लेवर बड़ा रोमांटिक एंड स्लो सॉन्ग्स वाला ज़्यादा है. मुझे मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें जुड़ी है, सदा रहना दिल में करीब होके. तो देखा आपने, कुछ ऐसी ही है पाखी हेगड़े की रियल दुनिया. तो आप सब तैयार हो जाइए पाखी को एक नए किरदार में देखने के लिए, क्योंकि ये जल्द आ रही है सीरियल रज्जो में एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेकर. लड़कियों के चेहरों पे खुशी देखती हूँ ना तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरा दिन, मेरी लाइफ उसमें एक स्नीक पीक लिया और मेरी लाइफ का एक पार्ट आपने फील किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी. मेरा शो जल्दी आ रहा है स्टार प्लस पर 22 अगस्त को शाम के 7 बजे. आप लोग ज़रूर इस शो को देखिएगा और देख के मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको शो, कैसा लगा मेरा कैरेक्टर. सो प्लीज़ वॉच मधुमालती इन रज्जो. बाय. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो.